हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग फाइलम हेमिकोर्डेटा तक पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोगों को फाइलम कोर्डेटा स्टार्ट करना है। ठीक है, हेमिकोर्डेटा में हम लोग 10 फाइलम को स्टडी कर चुके हैं। फाइलम पोरीफेरा, जिनको हम स्पंज भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, फाइलम टीनोफोरा, जिसको सी वॉलनट या सी गुजबेरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइलम प्लेटीहेलमिंथ, जिसको हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। ठीक है, फाइलम एस्किहेलमिंथ, जिसको हम राउंड वर्म्स बोलते हैं। उसके बाद फाइलम एनिलिडा, जिनके बॉडी में रिंग लाइक छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल सिगमेंटेशन एज वेल एज इंटरनल सिगमेंटेशन दोनों मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा, विच इज लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और मैं बताया था कि उसमें से भी लार्जेस्ट क्लास जो होता है इंसेक्ट, जिसके 10,25,000 स्पीसीज लगभग डिस्कवर्ड है अप टिल नाउ। ओके, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हेमिकोर्डेटा को भी, सॉरी, इकाइनोडर्मेटा को भी स्टडी कर लिए हैं। उसके बाद हेमिकोर्डेटा को भी लास्ट क्लास में स्टडी कर लिए हैं। आज हम लोगों को फाइलम कोर्डेटा स्टार्ट करना है। फाइलम कोर्डेटा, फाइलम कोर्डेटा। अब देखिए, इनमें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैं बताया था कि पोरीफेरा जो होते हैं उनमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। फाइलम प्लेटीहेलमिंथ्स में ऑर्गेन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। फाइलम एस्किहेलमिंथ्स टू कॉर्डेट में ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। ठीक है, तो लिख लीजिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें कैसा मिलेगा, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। ओके, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, इनमें बॉडी प्लान देखें तो बॉडी प्लान कैसा होता है। बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिलता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिलता है। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान दैट इज एलिमेंट्री कैनाल हैज टू ओपनिंग, वन एक्ट एज माउथ एंड अनदर एक्ट एज एनस, जिसको हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ओके, अब देखिए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, दैट इज टू ओपनिंग है, टू ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग जो है माउथ की तरह एक्ट कर रहा है और एक ओपनिंग एनस की तरह एक्ट कर रहा है। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि पहले माउथ बना या पहले एनस बना, तो इनमें पहले माउथ बनता है। मैं बताया था कि ब्लास्टोपोस्ट डेवलप्स इनटू एनस, सॉरी माउथ नहीं बनता है, पहले एनस बनता है। ब्लास्टोपोर ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू एनस। मैं बताया था कि जब ब्लास्टोपोर जो है एनस का फॉर्मेशन करता है, ब्लास्टोपोर जो होता है जो पहला इम्ब्रियो में छेद बनता है, अप टू 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो कंसेप्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो बोलते हैं। उसमें जो पहला छेद बनता है, पहला जो होल बनता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं। जब ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू एनस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स। ओके, ड्यूटेरोस्टोम्स बोलते हैं। और यदि ब्लास्टोपोर्स डेवलप्स इनटू माउथ तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोम्स।
ड्यूटेरियोस्टोम्स का मैं एग्जांपल आपको बताया था, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। जबकि एसकेएल मींस एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का, चार फाइलम बताया था जो कैसे होते हैं, प्रोटोस्टोम्स होते हैं, डेट मींस माउथ फॉर्म अर्लियर देन एनस। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि सिमेट्री की बात करें, तो यहां एक ही लाइन होगी जो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पास करेगी और बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए इनमें जर्म लेयर की बात करें तो तीन जर्म लेयर होता है, डेट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीन जर्म लेयर कौन कौन होता है, इक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। मीजोडर्म को मैं बाद में इसलिए लिखा कि बाद में ये जर्म लेयर जो है इवॉल्व होते हैं, ठीक है। मैं बताया था कि जो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डेट इज टू ही जर्म लेयर उनमें मिलते हैं, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। मीजोडर्म तो अपना स्टार्टिंग कहां से होता है, प्लैटीहेल्मिंथ से, ठीक है। प्लैटीहेल्मिंथ में भी मीजोडर्म मिलता है लेकिन उनमें सिलोम नहीं मिलता है, ठीक है, मिटा दूं। सिलोम में बताया था कि सिलोम इज द बॉडी कैविटी विच इज कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म। सिलोम जो है कंप्लीटली मीजोडर्म से लाइंड होता है, ठीक है। जहां सिलोम का फॉर्मेशन हो चुका है, मैं बताया था कि प्लैटीहेल्मिंथ जो होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं, मीजोडर्म तो फॉर्म हो गया है लेकिन सिलोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। एस्केलमिंथ जो होते हैं उनमें पाउच, स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में सिलोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सब में सिलोम मिलता है, डेट इज ये कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सिलोमेट होते हैं तो ये सिलोम का फॉर्मेशन मैं बताया था कि दो तरह से होता है, एक स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से होता है जिसको हम साइजोसिलोम बोलते हैं, ठीक है, और जिनमें साइजोसिलोम प्रेजेंट होगा उनको हम क्या बोलते हैं, साइजोसिलोमेट बोलते हैं, और जिनमें सिलोम का फॉर्मेशन जो होता है बाय दी आउटग्रोथ या इवेजिनेशन ऑफ गट वॉल से होता है उनको हम इंटेरोसिलोम बोलते हैं, और वैसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेरोसिलोमेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, इंटेरोसिलोमेट होते हैं, कौन कौन, इंटेरोसिलोमेट इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो होते हैं वो साइजोसिलोमेट होते हैं, उनमें गट वॉल से नहीं होता है, उनमें बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म सिलोम का फॉर्मेशन होता है, इंटेरोसिलोमेट होते हैं, डेट मीन्स सिलोम फॉर्म्ड ड्यू टू, इवेजिनेशन, या इसको हम बोल सकते हैं आउटग्रोथ ऑफ गट वॉल, के आउटग्रोथ से सिलोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मिटा दूं इनको, इसको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन की, इनमें मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फाइलम कॉर्डेटा के। ओके, मिटा दूं,
नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स। फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स के फंडामेंटल फीचर क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बताया था कि एनिमल्स को हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको हम कॉर्डेट बोलेंगे और जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है उनको नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। नोटोकॉर्ड में बताया था कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है, और ये डोर्सल साइड ऑफ इम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है, ठीक है, डोर्सल साइड ऑफ इम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इम्ब्रियो को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यही चीज हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो होता है सपोर्टिव रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है प्रेजेंट इन डॉर्सल साइड, पीछे की साइड में, डॉर्सल साइड ऑफ एम्ब्रियो एंड इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्म जर्म लेयर से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इनमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, नर्व कॉर्ड में बताया था कि जो नॉन कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड होता है वो कैसा होता है, डबल होता है, सॉलिड होता है और वेंट्रल होता है। यहां जो नर्व कॉर्ड होता है वो कैसा होता है, सिंगल होता है, हॉलो होता है और डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए नर्व कॉर्ड कैसा होता है, सिंगल, हॉलो, प्रेजेंट इन डोर्सल साइड, में प्रेजेंट होता है नर्व कॉर्ड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट फीचर की हम बात करें फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, ये कभी ना कभी लाइफ में होगा ही होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए फेरेंजियल गिल स्लिट्स होगा, ये कैसा होगा, पेयर्ड होगा, ठीक है, पेयर्ड होगा और लाइफ में एक बार एटलीस्ट इम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है, इन प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल, ठीक है। लिखिए इसको हो गया। एक यदि टिपिकल इम्ब्रियो का स्ट्रक्चर मैं बनाऊं कॉर्डेट का, कॉर्डेट का यदि मैं टिपिकल स्ट्रक्चर एक बनाऊं तो कुछ इस तरह से होगा साहब,
ठीक है। देखिए ये इसका एलिमेंट्री कैनाल हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ये फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स ओके क्लियर है। उसके बाद यहां पर कहीं इसका सपोज करिए ये आई हो गया, ठीक है, यहां पर ये पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। उसके बाद यहां ये इसका ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है, यही क्या बनाएगा, नर्व कॉर्ड बनाएगा, नर्व कॉर्ड जो कैसा होगा, सिंगल होगा, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगा, सिंगल डोर्सल, और हॉलो होगा, हॉलो होगा, ठीक है। ये देखिए ये इसका एनस हो गया, एनस, ये एनस के पीछे है, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये रिड्यूस हो जाता है बाद में, लेकिन एम्ब्रियो में तो प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट एनल टेल बोलते हैं, ठीक है, पोस्ट एनल टेल बोलते हैं। यहां कहीं पर प्रेजेंट होगा, ये इसका हार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, ओके क्लियर है, बना लीजिए इसको। अब देखिए कुछ और यदि हम फीचर की बात करें, ठीक है, तो कॉर्डेट्स में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। जब हम लोग नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे थे उस समय मैं एनीलिडा का जब हम लोग पढ़ रहे थे फाइलम एनीलिडा, तो उसमें मैं बताया था कि इसमें भी ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है, वो ऐसे डिजॉल्व रहता है, प्लाज्मा में डिजॉल्व रहता है, ठीक है, आरबीसी वहां क्या था, एब्सेंट था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम यहां बात कर रहे हैं तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, यहां मोस्टली क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, मोस्टली क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन बायोलॉजी है तो एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्ट ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा या इसको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ठीक है, इनको हम आगे पढ़ेंगे प्रोटोकॉर्डेट के अंदर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें हर्ट जो प्रेजेंट है कैसा होगा, वेंट्रल हर्ट होगा, ठीक है, हर्ट प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड में हर्ट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर यदि पूछे
तो पोस्ट एनल टेल होगा, एटलीस्ट इन एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होगा ही होगा, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट एटलीस्ट इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, एम्ब्रियोनिक लाइफ में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगा ही होगा, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है। हो गया, चलिए मिटा दो इसको। अब देखिए यदि हम डिवीजन देखें कोऑर्डिनेट्स का, तो कोऑर्डिनेट को हम कैसे डिवाइड करते हैं साहब, आइए इस चीज को समझते हैं। कोऑर्डिनेटर को डिवाइड करें तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे समझें जिसके दो पुत्र हुए, ठीक है, एक वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा इसको इसलिए बोल रहे हैं कि इनमें नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट, एडल्ट में नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रेट वर्टिब्रल कॉलम से जो है रिप्लेस हो जाता है, इसलिए इनको हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं। या इनमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है, खोपड़ी प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनिएटा बोलते हैं, क्रेनिएटा, ओके। और दूसरे पुत्र जो हुए वो हुए नॉन वर्टिब्रेटा, क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम जो है वो रिप्लेस नहीं होता है ये नोटोकॉर्ड से, तो इसको हम नॉन वर्टिब्रेटा बोल सकते हैं, नॉन वर्टिब्रेटा। या इनमें क्रेनियम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इनको हम नॉन क्रेनिएटा भी बोल सकते हैं, नॉन क्रेनिएटा, ओके, क्लियर है, नॉन वर्टिब्रेटा या नॉन क्रेनिएटा, ठीक है। अब देखिए ये वर्टिब्रेटा को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, या ये फाइलम है तो फर्दर जो है दो सब फाइलम में डिवाइड करेंगे, ठीक है। वर्टिब्रेटा को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हो गए जिनमें जॉ प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं जॉ नेथोस्टोमेटा, जी यहां साइलेंट होता है, नेथो एस्टोमाटा, ठीक है, जिनमें जॉ प्रेजेंट है, और जिनमें जॉ एब्सेंट है वो हो गए एग्नेथो एस्टोमेटा, नेथो एस्टोमेटा, ओके। नेथोस्टोमेटा के एक ही क्लास होते हैं साहब, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। नेथोस्टोमेटा के फर्दर दो क्लास हैं, एक पाइसेज, ठीक है, पाइसे और टेट्रापोडा, पाइसेज और टेट्रापोडा। पाइसेज जिनमें अपने फिश आएंगे, ठीक है, ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, ठीक है,
एक कार्टिलेजिनस और एक बोनीफिस। कार्टिलेजिनस को हम बोलते हैं कॉन्ड्रिक्टिल्स, कॉन्ड्रिक्टिल्स, और जो बोनीफिशेज होते हैं उनको हम ऑस्टिक्टिल्स बोलते हैं। कॉन्ड्रिक्टिल्स और ऑस्टिक्टिल्स, ओके। अब देखिए टेट्रापोडा के फर्दर चार पुत्र हुए, ठीक है। एक हो गया क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया, ठीक है। नेक्स्ट हुआ रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया। नेक्स्ट क्लास हुआ एवीज, एवीज, और लास्ट हुआ क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया, ठीक है। उसके बाद नॉन वर्टिब्रेटा या नॉन प्रेनिएटा के फर्दर दो पुत्र हुए, ठीक है। एक हो गए यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, और नेक्स्ट हुआ सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ओके। लिखिए इसको, चलिए दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्ड्रिक्टिल्स हो गए, कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है, जिनमें कार्टिलेजिनस वर्टिब्री होगा, ठीक है, और ये हो गए जिनमें बोनी वर्टिब्री होगा, ये हो गए बोनी फिश, ठीक है। अब देखिए कॉर्डेट को हम दो पार्ट में डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ कि उनमें नोटोकॉर्ड आइदर रिप्लेस हो रहा है वर्टिब्री से या नहीं हो रहा है। तो जिनमें रिप्लेस हो जा रहा है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा बोलते हैं, ठीक है। या उनमें खोपड़ी प्रेजेंट होता है, स्कल प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है, ब्रेन बॉक्स को हम क्रेनियम बोलते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनिएटा बोलते हैं। इनमें वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होता है नोटोकॉर्ड, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन वर्टिब्रेटा बोलते हैं, ओके। उसके बाद इनमें क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन क्रेनिएटा बोलते हैं, या एक क्रेनिएटा भी बोल सकते हैं, ओके, क्लियर है। वर्टिब्रेटा को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, कि उनमें जॉ प्रेजेंट है या नहीं है। जिनमें जॉ नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, एग्नेथोस्टोमेटा बोलते हैं। इनके सभी ऑर्गेनिज्म है वो विलुप्त हो गए, एक ही क्लास इनमें पढ़ना है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, एक ही क्लास पढ़ना है साइक्लोस्टोमेटा, क्लियर है। नेक्स्ट नेथोस्टोमेटा को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पाइसेज और एक टेट्रापोडा। पाइसेज जो फिशेज होंगे, ठीक है, इनको फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्ड्रिक्टिल्स और ऑस्टिक्टिल्स। कॉन्ड्रिक्टिल्स को हम कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं, ऑस्टिक्टिल्स को हम बोनी फिश बोलते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर, ये हो गए एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया,
नॉन वर्टिब्रेटा को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यूरोकॉर्डेटा उनमें टेल में प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, इसलिए उनको यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं, उनमें ट्यूनिशियन सुगर मिलता है इसलिए उनको ट्यूनिकेटा बोलते हैं, और इनमें हेड से टेल में प्रेजेंट होता है इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हेड के लिए मैं जब हम लोग फाइलम प्लैटीहेलमिंथ्स पढ़ रहे थे तो मैं बताया था कि यहीं से हेड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और फॉर्मेशन ऑफ हेड को सिफलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा, क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा बोलते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है तो बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? चलिए, इनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोल सकते हैं, ये प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, इनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोल सकते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है, मिटा दूं इसको। चलिए, अब इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब देखिए, यहां से एक चीज यदि हमसे पूछे, ठीक है, कि क्या सभी कॉर्डेट जो होते हैं वो वर्टिब्रेट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्या सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट होते हैं या सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं? तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, कि सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट तो होंगे, सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट तो होंगे, लेकिन हर कॉर्डेट जो है वो वर्टिब्रेट नहीं होंगे, चूंकि वर्टिकॉर्डेट्स दो टाइप में हम लोग डिवाइड कर दिए, एक वर्टिब्रेट और एक नॉन वर्टिब्रेट। ओके, चलिए आइए अब हम प्रोटोकॉर्डेट को पढ़ते हैं। प्रोटोकॉर्डेट को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो यूरोकॉर्डेटा में भी मिलेंगे और सिफेलोकॉर्डेटा में भी मिलेंगे, और यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम एक साथ क्या बोल रहे हैं, प्रोटोकॉर्डेट बोलते हैं। तो प्रोटोकॉर्डेट का हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे तो वो दोनों में प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको पहले कॉमन पॉइंट पढ़ ले रहे हैं। ओके, उसके बाद एक एक करके हम उसको स्टडी करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले तो साहब ये कैसे होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं, कैसे होते हैं, दी आर नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट। दीज आर नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट। ओके, उसके बाद इनमें क्रेनियम भी नहीं होता है, ठीक है, तो ये एक क्रेनिएट होते हैं, ठीक है, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स एब्सेंट इन प्रोटो कॉर्डेट, तो इनको हम एक क्रेनिएट वर्टिब्रेट भी बोल सकते हैं, सॉरी एक क्रेनिएट कॉर्डेट भी बोल सकते हैं, ए क्रेनिएट कॉर्डेट, ठीक है। उसके बाद ये सभी के सभी कैसे होते हैं, वाटर में ही मिलेंगे, ठीक है, दे ऑल आर एक्वेटिक, और वाटर में भी बोले तो ये सभी के सभी मैरीन वाटर में मिलेंगे, प्रेजेंट इन मैरीन वाटर, सभी के सभी कहां मिलेंगे, मैरीन वाटर में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद इनमें
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में हम जानते हैं कि लार्वा जो है उससे क्या बनता है, एडल्ट बनता है। लार्वा से क्या बनता है, एडल्ट बनता है, क्लियर है। और लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ध्यान दीजिएगा, फॉर द कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, ठीक है, आयोडीन इज रिक्वायर्ड, आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उस आयोडीन को बनाने के लिए इनमें हम लोग में तो आयोडीन कौन बनाएगा, उस आयोडीन को बनाने के लिए इनमें इंडोस्टाइल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो इक्विवेलेंट होता है इंडो स्टाइल ग्लैंड इज प्रेजेंट। और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट टू थायराइड ग्लैंड, आयोडीन हार्मोन इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट टू थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें यदि देखें तो नोटोकॉर्ड जो है थ्रू आउट दी लाइफ प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिख लीजिए नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट दी लाइफ, पूरे लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, दैट इज नेवर रिप्लेस्ड बाय, नेवर रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, नेवर रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, कभी वर्टिब्रल कॉलम से नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस नहीं होगा, ओके, क्लियर है, मिटा दो इसको। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं यूरोकॉर्डे, ये यूरोकॉर्डे या यूनिकाटा को एक एक करके पढ़ते हैं। यूरोकॉर्डेटा या यूनिकाटा, ठीक है, इसमें यूरो, यूरो शब्द जो होता है वो टेल के लिए यूज होता है, ठीक है, यूरो शब्द टेल के लिए यूज होता है, तो यहां नोटोकॉर्ड जो है वो टेल से रिलेटेड होगा, ये चीज क्लियर है। तो इसको यूरोकॉर्डेट इसलिए बोल रहे हैं कि नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा, ठीक है, ओनली इन टेल ऑफ लार्वा, नोटोकॉर्ड जो है वो केवल लार्वा के टेल में प्रेजेंट होगा एंड डिसअपियर इन इन एडल्ट, एडल्ट में डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। इसको ट्यूनिकेटा इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इनमें ट्यूनिसिन शुगर मिलता है, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा बिकॉज इन दिज ऑर्गेनिज्म ट्यूनिसिन शुगर
इज प्रेजेंट, इनमें ट्यूनिसिन शुगर प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा बोलते हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट, इनमें यदि हम बात करें रेस्पिरेटरी सॉरी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है तो मेटामॉर्फोसिस होगा। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट फ्रॉम लार्वा। ठीक है, तो यहां लार्वा जो है होता है वो मोर डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू एडल्ट। ठीक है, लार्वा जो होता है वो मोर डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू एडल्ट। ठीक है, तो इनमें मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो कैसा होता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, लार्वा इज बेटर डेवलप्ड एज कंपेयर टू एडल्ट। ठीक है, या लार्वा इज बेटर डेवलप्ड देन एडल्ट कर दीजिए। ठीक है, देन एडल्ट, तो यहां लार्वा बेटर डेवलप है एडल्ट की तुलना में, तो जो मेटामॉर्फोसिस होगा वो कैसा होगा, मोर डेवलप्ड लार्वा से लेस डेवलप्ड एडल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां मेटामॉर्फोसिस जो होगा वो कैसा होगा, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, फॉर्मेशन ऑफ लेस डेवलप्ड एडल्ट देन फॉर्मेशन ऑफ लेस डेवलप एडल्ट फ्रॉम मोर डेवलप या बेटर डेवलप लार्वा। ठीक है, लार्वा जो होता है वो ज्यादा डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू एडल्ट। ओके, उसके बाद यहां सर्कुलेटरी सिस्टम जो मिलता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, यदि फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, लिखिए इसको, ठीक है, इसका एग्जांपल, एग्जाम्पल एसीडिया साल्पा डोलियोलम ओइकोप्लूरा, ठीक है, हरमानिया इतना एग्जाम्पल अपने को याद रखना है। ठीक है, हरमानियों को सी पोटैटो या सी स्क्विड भी बोलते हैं। ठीक है, सी पोटैटो या सी स्क्विड। ठीक है, लिखिए इसको,
हो गया। नेक्स्ट है सिफेलो कॉर्डेटा, ठीक है सिफेलो कॉर्डेटा। सिफेलो कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो होता है, ठीक है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है persist throughout the life, मतलब also present in adult में भी present होगा, ठीक है। notochord कहां से कहां तक present होता है, from tail to head, ठीक है notochord extends from tail to head notochord जो है क्या होगा present होगा। circulatory system की बात करें तो यहां closed type of blood circulatory system present होता है, closed type blood सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनका बॉडी जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है इस तरह से होता है, इसको हम बोलते हैं लेंस लाइक, ठीक है बॉडी इज लेंस लाइक हैंस हैंस लेंस लाइक ऑल्सो नोन एज लेंसेट, ठीक है लेंसलेट, ठीक है इनको लेंसलेट भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है इनमें सोलेनोसाइट प्रेजेंट होता है, जो सोलेनोसाइट या हम वहां रेनेट सेल्स भी बोले थे एसकेएल मींस में, जो एक शेप का था, ठीक है प्रोटोनेफ्रिडिया टाइप का था, ठीक है लिख लीजिए एक्सक्रेटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन बाई सोलेनोसाइट्स, ठीक है प्रोटोनेफ्रिडिया टाइप, ठीक है। इसका एग्जांपल अपने को एक ही याद रखना है ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है ब्रैंकियोस्टोमा, इसको जो है लेंसलेट भी बोलते हैं या एम्फीओक्सस भी बोलते हैं, एम्फीओक्सस या लेंसलेट भी बोलते हैं, ठीक है लेंसलेट भी बोलते हैं। तो सिफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं, ठीक है इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है फ्रॉम टेल टू हेड, इसलिए इनको क्या बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेट बोलते हैं, ठीक है। और नोटोकॉर्ड जो है थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है लिख लीजिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है बॉडी जो है लेंस लाइक होता है,
इसलिए इसको लैंसलेट भी बोलते हैं, ठीक है। और एक्सक्रीशन जो है थ्रू सोलेनोसाइट होता है और ये लेस डेवलप होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लैंसलेट, ये एक ही एग्जांपल अपने को याद रखना है, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग फाइलम कॉर्डेट के अंदर नॉन वर्टिब्रेट को हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे जो भी सीट आपको दी गई है उसको सॉल्व कीजिए। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अपना सुझाव आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।